सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री खड़गे जी, राहुल जी का, श्रीमती सोनिया गांधी जी का, प्रियंका जी का, हमारे अशोक गहलोत जी का, सचिन पायलट जी का, गोविंद सिंह डोटासरा जी का, धीरज गुर्जर जी का, तमाम हमारे नेताओं का मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे एक आम परिवार के नौजवान को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मैंने शुरू से ही छात्रों के लिए संघर्ष किया है, मैं कॉलेज का अध्यक्ष रहा, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जो है छात्रों के लिए संघर्ष करते करते यहाँ तक आ पहुँचे हैं कि आज मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाऊँ। तो तमाम मैं हमारे नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ हमारे संगठन के प्रभारी श्री कन्हैया कुमार जी का, हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी जी का, जिन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और ये बड़ी जिम्मेदारी दी। देखिए, बात एनएसयूआई पहले दिन से ही छात्रों के बीच में है। मैं अध्यक्ष बना, मेरे से पहले भी जो अध्यक्ष थे उन्होंने बहुत मजबूती से जो है एनएसयूआई को नए बुलंदियों तक पहुंचाया। हमारा भी यही विजन है कि हम लोग जो अंतिम पंक्ति के बच्चे हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, उनकी आवाज़ को जो है बुलंद करें। एनएसयूआई पूरी ताकत से उन लोगों के भविष्य के लिए, उनके हितों के लिए संघर्ष करें, और जो भी उनको कठिनाइयाँ हैं, परेशानी हैं, बेरोज़गारी का हम लोग बात करें तो बड़ी प्रचंड स्थिति में ये बेरोज़गारी की मार है। एनएसयूआई बेरोज़गारी के खिलाफ भी आंदोलन करेगी। इसके साथ साथ हम लोग बात करें, पेपर लीक का एक बड़ा मुद्दा है, उस पर भी हम लोग जो है पूरी ताकत से सरकार को घेरने का काम करेंगे। दूसरा मैं बात करता हूँ, अभी मैं विश्वविद्यालय जाके आया तो हमारे आरएस के जो भाई हैं वो तिथि को बढ़ाने को लेकर बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हमारी बहनें, कुछ भाई जो हैं भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं, मैं उनके हौसले को भी धन्यवाद देता हूँ। उस लड़ाई में भी एनएसयूआई जो है उनको पूर्ण समर्थन करती है, पूरी ताकत से जो है एनएसयूआई उनके साथ खड़ी है। रही बात पूरे राजस्थान में, हम लोग जो है छात्र संवाद कैंपस जोड़ो हम लोग संवाद करेंगे। कैंपस संवाद के साथ साथ हम जो है जिस तरीके से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम उस तरीके से हर कैंपस में जाएंगे, छात्रों से बात करेंगे, जो भी छात्रों के मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है हम लोग आगे करके उनके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ेंगे और उनके हित में जो है हम लोग फैसला करवाने का काम करेंगे। प्रदेश की राजनीति में आने के लिए, छात्र नेताओं के लिए प्रदेश की राजनीति में आने के लिए जो इलेक्शन है, छात्र यूनिवर्सिटी के इलेक्शन है, वो पहली सीढ़ी होती है, वही ये इलेक्शन जो है अभी बंद पड़े हैं, उसको किस तरीके से आप शुरू करवाएंगे, क्योंकि कई छात्र नेता जो है लास्ट साल है जिनका वो चुनाव में लड़ना चाहते हैं। देखिए, बहुत गहरी और सच्चाई की बात है, किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का चुनाव बहुत ज़रूरी है। पिछले साल चुनाव नहीं हुए, आप देखिए सरकार की और प्रशासन की कितनी तानाशाही है। अगर वहाँ पे अध्यक्ष होता है, चुनाव छात्र संघ के होते रहते हैं, तो एक सरकार और प्रशासन दोनों पे दबाव होता है। अब ये निरंकुश होके जो हैं जो भी फैसले आनन फानन में ले रहे हैं। एनएसयूआई पूरे राजस्थान में पूरी ताकत से छात्र संघ चुनाव को पुनः कराने की मांग को लेकर आंदोलन करेगी। पहले दिन से ही जब चुनाव बंद हुए तो एनएसयूआई ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, क्योंकि यही एनएसयूआई की खूबसूरती है और यही एनएसयूआई की तासीर है। अपने ही संगठन ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना एक बहुत बड़ी बात है, और आज हम उसी बात पे कायम हैं, उसी कार्रवाई को जो है हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और हम इस बार छात्र संघ चुनाव कराएंगे। पूरे राजस्थान में एनएसयूआई आंदोलित रहेगी छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर। बिल्कुल, देखिए पहली बात करूं तो 17 साल की उम्र से मैं छात्र राजनीति में हूं, और आप सब मुझे देखते हुए आ रहे हैं, दाढ़ी मूछ आप लोगों के सामने आई है। जब मैं पहली बार 2014 में राजस्थान कॉलेज का अध्यक्ष बना, तब से हम लोग आंदोलन करना सीख गए और तब से हम लोग छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर मैं उसके बाद एनएसयूआई का यूनिट का अध्यक्ष रहा, विश्वविद्यालय की इकाई का अध्यक्ष रहा, उसके बाद मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बना, बहुत भारी बहुमत से मुझे छात्रों ने चुना। उसके बाद मैं एनएसयूआई संगठन में नेशनल सेक्रेटरी बना। नेशनल सेक्रेटरी बनने के बाद मुझे प्रशासन हमारे एनएसयूआई संगठन ने जो जो जिम्मेदारी दी, मैं यूपी का प्रभारी रहा, मैं गुजरात का प्रभारी रहा, मैं दिल्ली का प्रभारी रहा, हमने मजबूती से वहाँ जो है छात्रों के बीच में काम किया। उसी चीज़ को देखते हुए, एक संघर्ष को देखते हुए, एक आम परिवार के नौजवान को एनएसयूआई के शीर्ष नेतृत्व में आदरणीय हमारे प्रभारी कन्हैया कुमार जी ने और वरुण चौधरी जी ने मुझे मौका दिया। और टैलेंट की बात करें तो हमारी टैलेंट यही है कि हमें लड़ना है लोगों के बीच में, हमें जो भी मौका मिलता है हम वहाँ कूद पड़ते हैं सरकार के खिलाफ। यही आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, सबसे पहले लोकसभा चुनाव की होगी, क्योंकि 25 सीटें हैं, तो क्या लगता है कि आपके एनएसयूआई के अध्यक्ष बनने के बाद कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि लगातार दो बार से 25 की 25 सीटें आप लोग हार गए, कांग्रेस हार गई।
देखिए बात ऐसी है कि पूरे देश में धर्म की राजनीति को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, नौजवान कुछ हद तक भ्रमित है लेकिन अब शिक्षित है, वो समझने लगा है। तो बात करूं मैं राजनीति की, तो पूरी NSY ताकत से जाएगी। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो कैंपस की है, हम लोगों के छात्रों के बीच में जाना है, हमारी बात को समझाना है, हमारी विचारधारा को समझाना है, हमारी आइडियोलॉजी को समझाना है कि हम किस तरीके से काम करते हैं, हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे विज़न क्या हैं। ये चीज़ों को लेकर हम जब छात्रों के बीच में जाएंगे, हमें यकीन है कि छात्र हमारी बात को समझेंगे और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जो है हमारे को वोट करेंगे और हम बिल्कुल जीत के आएंगे, पूरी ताकत से जीत के आएंगे। हम तो चाहते हैं कि NSY पूरी इतनी ताकत से मेहनत करेगी, हम 25 की 25 सीट लोकसभा को जिताकर भेजेंगे। तो अब क्या परिवर्तन किया भाई? मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने कहा कि हम RPSC में बदलाव करेंगे, नेता प्रतिपक्ष उस समय के जब नेता थे राजेंद्र राठौड़ जी, उन्होंने कहा कि हम जो है RPSC में बदलाव करेंगे। फिर उसके बाद BJP के प्रदेश अध्यक्ष CP साहब ने कहा कि हम लोग RPSC में बदलाव करेंगे, पूरे RPSC करके उन्होंने चुनाव जीता और आज देखिए RPSC वाले बच्चे आज खुद आंदोलन कर रहे हैं अपनी RPSC के खिलाफ। क्या बदलाव किया? मतलब या तो फिर हम लोग सही थे वो गलत थे, वो चुनावी मुद्दा बना रहे थे। अगर हम लोग गलत थे उस समय तो आज वो परिवर्तन करें, क्यों आज जो है छात्र जो है आंदोलन धरने पे बैठा है? तो ये चीज़ है कि हम लोग इनका चेहरा जो है वो दिखाने का कुछ और है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और हैं। चुनाव से पहले तमाम बातें की जाती है कि भाजपा धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, तमाम यूथ जो है कई तरह की बातें लेकर आता है, लेकिन जब चुनाव आता है उस वक्त पिछले दो कार्यकाल देखे कि वोट सारा यूथ का भी भाजपा की तरफ चलता है। दो कार्यकाल देख चुके लगातार 25 की 25 की भाजपा की आ रही है, तीसरा चुनाव सर पे है, क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि अब पूरे प्रदेश का यूथ खास करना चाहेगा आपके हाथ में। देखिए प्लानिंग जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, NSY का मुख्य काम है छात्रों के बीच में जाना, युवाओं के बीच में जाना, उनके मुद्दों को आइडेंटिफाई करना, उनको किस तरीके की परेशानी है, वो क्या चाहते हैं, किस वजह से है कि वो हमारे तरफ नहीं आ पा रहे हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हम लोग हमारा एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे। हम उनके समर्थन में उनके साथ में जो भी आइडेंटिटी हमारे मुद्दे होंगे, हम उनके जो मुद्दे हैं उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। तो हम तो यही दावा करते हैं कि NSY पूरी ताकत से छात्रों को अपनी ओर प्रभावित करने का, उनके साथ में खड़ा होने का, उनकी बातों को उनकी मांगों को मनवाने का पूरा काम करेंगे। 22 जनवरी को पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा राम जन्मोत्सव को मना रहा है, दिवाली के रूप में बड़ा उत्सव मना रहा है, आप क्या विचार? देखिए भगवान राम सबके पूजनीय हैं, अगर किसी एक संगठन या एक विशेष व्यक्ति के लिए जो है भगवान राम को छोटा कर दिया जाए, आप देखिए 4 शंकराचार्य हैं, उनकी बात को कोई नहीं सुन रहा है, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि धर्म में राजनीति हो रही है, धर्म में राजनीति हो रही है। राजनीति और धर्म का कोई नाता नहीं है, धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म हमारी आस्था का केंद्र है, हमारा जीवन जीने का एक तरीका है, हमारी पूजा पाठ हमारा जीवन का एक शैली का हिस्सा है। अगर आप धर्म और राजनीति को एक पटल पर लेके आ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ लोग जो हैं उसको उस तरीके से देखेंगे और कहीं ना कहीं चीज़ों में फंस जाएंगे। तो मैं राम मंदिर से हम लोग भी जो हैं खुश हैं, भगवान राम की आस्था का एक मंदिर बना है उसमें कोई दोहराई नहीं है। जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी कहा कि हमें राम मंदिर से किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, भगवान राम सबके हैं, हिंदुस्तान में जो भी निवास करता है, जो भी उनकी उनके अंदर आस्था रखता है, भगवान राम सबके हैं। पर राम के राम पे जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं होनी चाहिए, हम उस चीज़ के खिलाफ हैं। हम उत्सव मनाएंगे 22 को, बिल्कुल हम लोग तो आज भी उत्सव मना रहे हैं, भविष्य में भी उत्सव मनाएंगे और उस दिन भी उत्सव मनाएंगे। हमारे पुरखों ने उत्सव मनाया, उनके पुरखों ने उत्सव मनाया, आज उत्सव मनाओगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उत्सव मनाएंगी। ये नया उत्सव कोई नहीं है, ये उत्सव तो हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ियां, हमारे दादा के दादा और हमारे आने वाले बच्चे उनके बच्चे इस उत्सव को मनाएंगे और पूरी ताकत से, पूरे हर्ष और उल्लास से मनाएंगे। देखिए मैं सबसे अच्छी बात यही कहूँगा कि जिस तरीके से आपने गुटबाजी की बात की, तो हम सबसे पहले इस गुटबाजी को ख़त्म करने का काम करेंगे। मतलब आप मानते हैं कि गुटबाजी है?
भाई मेरा ये मानने का, देखो गुटबाजी कहाँ नहीं है, गुटबाजी कहाँ नहीं है। यूनिवर्सिटी में भी दो गुट चुनाव लड़ते हैं आमने सामने, आप बताइए, दो गुट चुनाव लड़ते हैं, छात्र संगठनों में भी दो गुट होते हैं, हर जगह गुटबाजी है। संगठन में जो व्यक्ति काम करता है, आज मैं NHUI का अध्यक्ष बना तो एक प्रतिस्पर्धा तैयार होती है। मेरे समकक्ष जो व्यक्ति मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा, वो भी चाहता है कि मैं भविष्य में जो है प्रदेशाध्यक्ष बनूं NHUI का, NHUI का नेशनल प्रेसिडेंट बनूं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी जगह काम करूं। तो वो एक गुटबाजी हम उसको नहीं कह सकते, एक प्रतिस्पर्धा है। अब वो आप अगर आप उसको आप गुटबाजी का नाम देते हैं तो एक आपकी विचारधारा, आपका विजन है, लेकिन मैं उसको गुटबाजी ना कह के मैं उसको एक प्रतिस्पर्धा कहूंगा, जो राजनीति में कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू।